कि देश एक गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और ये चुनौती हमारे वक्त में आई है तो लड़ना भी हमको ही पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों की गुलामी से हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, उसी तरीके से अंग्रेजों के चापलूसों से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और यह बात हमको बार बार कहना पड़ेगा कि बाप दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से और इन चोरों को हमको हराना पड़ेगा। क्या आप देखे हैं गांव में सकलुचिया को? सकलुचिया का खिस्सा तो सुने होंगे ना। सकलुचिया क्या करता था? सकलुचिया दो लोगों को आपस में लड़ा देता था। और सकलुचिया का ये आदत जो है, एक बार एक समझदार आदमी पकड़ लिया तो एक बार वो आदमी और सकलुचिया दोनों राजा के बगल में खड़े थे, तो सकलुचिया के बदमाशी करने से पहले वो आदमी राजा को चुटी काट लिया और बोल दिया कि ये आदमी काटा है। राजा जो है सकलुचिया का हाथ कटवा लिया। ये जो सरकार है, यह सरकार बार बार अपनी ही जनता को चुट्टी काटते रहता है कि देश की सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसे नागरिकता संशोधन एक्ट कहा जा रहा है, अधिनियम कहा जा रहा है। सरकार का तर्क यह है कि यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो गैर मुसलमान हैं उनको भारत की नागरिकता दी जा सके। सरकार ये कह रही है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं अलग अलग टीवी चैनलों में जाकर के कि विपक्ष को बुरी तरह से हार मिली है तो अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए इस देश का विपक्ष जनता को भड़का रही है। यह खबर आपको सुनने को मिलती होगी, लेकिन जो असल खबर है जो आप तक नहीं पहुंच रही है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि हम में से किसी को भी इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, बल्कि इस कानून को लागू करने के बाद सरकार की यह योजना है कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। एनआरसी क्या होता है? एनआरसी वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत इस देश के नागरिकों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। देश के नागरिक इस देश में अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे? तो सरकार का काम काज करने का तरीका यह होता है कि सरकार न आंख से देखती है न कान से सुनती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ कागज को मानती है। सरकार का सब कुछ जो है वो कागज के आधार पर चलता है। पहली बात तो ये कि जो इस देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर उनके पास जरूरी कागजात नहीं है तो वो भारत का नागरिक होने के बावजूद इस देश में शरणार्थी बन जाएंगे, मतलब अपने ही घर में वो अतिथि बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे, आजकल हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है, पुराने जो लोग हैं उनको अपना जन्म तिथि नहीं मालूम है, इसीलिए आप जब गांव में ज्यादातर लोगों को पूछेंगे तो सबका जन्मदिन 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में होता है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं आपको तो मुझे मेरा असली जन्म तिथि नहीं मालूम था, क्योंकि मां कहती थी
कि तुम चैत में पैदा हुए हो और आज का जो लड़का है वो चैत बैसाख नहीं समझता है। तो चैत में पैदा हुए हैं तो हम पूछते थे कि मार्च था कि अप्रैल था, तो पता लगाते लगाते जब हम आठवीं कक्षा में पहुंचे तब पता चला कि हम मार्च में पैदा हुए थे। तब तक स्कूल में एडमिशन हो चुका था और गुरु जी को जो समझ में आया तो गुरु जी ने मेरा जन्मदिन 2 जनवरी लिख दिया। तो कागज पे मेरा जन्म 2 जनवरी को है और असली में मेरा जन्म जो है वो मार्च में हुआ है। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, हर तीसरा चौथा पांचवा आदमी से जब आप पूछेंगे तो उसकी यही सच्चाई है कि उसको अपना असली जन्म तिथि नहीं मालूम है। आजकल बच्चा सब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए है? तो स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ वो जन्मदिन मनाता है। देखेंगे कि क्लास में किसी ना किसी का जन्मदिन होता है और बच्चे के माँ बाप उसको टॉफी लेकर के देते हैं, वो अपने दोस्तों को बांटता है। ये नई चीज शुरू हुई है। तो कई बार बच्चा पलट करके जब घर आता है तो पप्पा से भी पूछता है, पप्पा आपका जन्म डेट क्या है, आपका बर्थ डेट कब है। तो पप्पा को मालूम ही नहीं है कि उनका बर्थ डेट कब है। ये मैं इस जनरेशन की बात बता रहा हूं, इस पीढ़ी की बात बता रहा हूं। इससे पहली पीढ़ी में अगर आप चले जाएंगे तो किसी को अपने दादाजी का जन्म तिथि नहीं मालूम है। जन्म तिथि तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं किसी को अपनी नानी की नानी का नाम भी पता नहीं है। कागज की स्थिति यह है समाज में कि सरकार जो हमको कागज देती है जिसके आधार पर हम वोट देते हैं, जिसको वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड की क्या हकीकत है कि फोटो आपका रहेगा, नाम आपके बाबूजी का रहेगा। बिरले ऐसे आदमी आपको मिलेंगे वोटर आईडी देखने के बाद जिनमें उनका जन्म का ईस्वी सही होता है, उम्र उसमें उनका सही होता हो। अब फोटो की तो पूछिए ही मत, इतना लाजवाब होता है कि आप अपना फोटो खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कि ये मेरा ही फोटो है। कागज की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? कागज की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे देश में सरकारी काम काज की जो स्थिति है उससे आप भली भांति वाकिफ हैं। अभी सरकार ने एक नया नियम लाया है कि महिला को जाति प्रमाण पत्र अब ससुराल में नहीं मायके में जाकर के बनवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी की शादी खगड़िया में हुई है और नैहर उसका मुंगेर में है, उसको जो भी काम करना होगा तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुंगेर जाना पड़ेगा। और कागज जब आप बनवाने के लिए जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको पता है कि आप किस जाति के हैं, आप जानते हैं कि आपकी जाति क्या है, लेकिन जब तक आप मुखिया से नहीं लिखवाएंगे तब तक आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जब तक कोई जनप्रतिनिधि दस्तखत करके नहीं देगा तब तक आपका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और दस्तखत करवा लेने के लिए जनप्रतिनिधि से दस्तखत करवा लेना यह आसान काम है। मुखिया फलतुए घर में बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है, लेकिन जब दस्तखत करवाने के लिए जाइएगा तो कहेगा मुखिया जी जरूरी बैठक में बैठे हुए हैं। उसको जनता के दरवाजे के बाहर इंतजार करवाने में मजा आता है। 2-4-10 को लोग घर पे अगर नहीं बैठा रहे, दस्तखत करवाने के लिए नहीं दौड़े तो मुखिया जी कैसे समझेंगे कि वो मुखिया जी हो गए हैं। अब जब दस्तखत करवा करके आप ब्लॉक पहुंचिएगा तो कौन कागज बिना घूस का बनता है जरा हमको आप समझा दीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र बिना घूस का बनता है, जाति प्रमाण पत्र बिना घूस का बनता है, अरे आपका अपना इंदिरा आवास बिना घूस का मिलता है, वृद्धा पेंशन में घूस नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह है कि ये सब कागज बनवाने के लिए हमको सरकार क्यों कह रही है। सरकार ये कह रही है कि आपको कागज बनाना इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलेगा
कि देश में कौन नागरिक हैं और कौन घुसपैठिया है। तो एक प्रश्न हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट आपने दिया है, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड आपने दिया है, वोट देने के लिए जाते हैं तो वोटर आईडी आपने दिया है, बैंक से लेकर के हर योजना में काम करवाने के लिए आधार कार्ड आपने दिया है, और आपको पता नहीं है कि इस देश का नागरिक कौन है। ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति क्यों खड़ा की जा रही है, इसको एक मिनट में समझ लीजिए। जो लोग मजदूरी करते हैं उनका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड में उनका पैसा कटता है। मान लीजिए 400 रुपया अगर मजदूर का कट रहा है तो 400 रुपया मालिक को जमा करना है, ये पीएफ का कानून कहता है। पीएफ में मजदूर अपना पैसा कटवाते रहते हैं, जब वो पीएफ का पैसा लेने के लिए जाते हैं तो कहता है कि पैसा आपको नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? कहेगा आपका जो जॉब कार्ड है उस पे जो नाम लिखा हुआ है और आपका जो वोटर आईडी है उस पे जो नाम लिखा हुआ है वो अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? कोई लिखती है नीलम, एन आई एल ए एम नीलम, और कोई लिखता है एन डबल ई एल ए एम नीलम। ये आई और ई के चक्कर में वो बेचारा गरीब का पैसा पीएफ फंड में फंसा रह जाता है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मेरे पिताजी का नाम मेरे सर्टिफिकेट पे है जे ए आई, और मेरे छोटे भाई के सर्टिफिकेट पे है जे ए वाई। अरे आई और वाई का चक्कर हो सकता है कि अलग अलग हो, बाप तो एक ही है ना, बाप तो अलग अलग नहीं है। लेकिन जो गरीब मजदूर हैं पीएफ अकाउंट में उनका 40,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 40,000 करोड़। ये कागज का उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूं? कागज का उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कागज के आधार पे आप जो इसी देश के नागरिक हैं, हो सकता है कि आपको अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं याद हो, हो सकता है कि आपको अपना असली बर्थ डेट नहीं याद हो, हो सकता है कि आपके पासबुक पे जो आपके बाप का नाम लिखा हुआ है और आपके वोटर आईडी पे जो आपके बाप का नाम लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग अलग अलग हो। इस आधार पे आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, यह बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि आसाम में जब एनआरसी हुआ, जब आसाम में कहा गया कि नागरिकों को कागज देकर के अपनी नागरिकता साबित करनी है, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में 1600 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और 1600 करोड़ खर्च करने के बाद जब 19 लाख लोगों का एनआरसी लिस्ट तैयार करके बाहर किया गया 19 लाख लोगों को, तो उस 19 लाख में से 15 लाख गैर मुस्लिम हैं। 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए, 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और इन तमाम लोगों को कागज बनवाने के लिए कम से कम अगर खर्च हुआ होगा तो 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। लोग दिन दिन भर लाइन में लग करके अपना कागज बनवाते थे, कोई जो है अपना नैहर दौड़ रहा है, कोई अपना ससुराल दौड़ रहा है, पैदा कहीं और पे हुआ है, शिक्षा दीक्षा कहीं और हुई है, काम कहीं और कर रहा है, लेकिन कागज बनवाने के लिए माँ को फोन कर रहा है कि माँ बताओ दादाजी के दादाजी कौन गांव में पैदा हुए थे, वहां से कागज बनवा करके लाना है। लोग परेशान हुए, और कुल नतीजा क्या निकला? कुल नतीजा ये निकला कि आसाम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लिस्ट को हम नहीं मानते हैं, यह जो एनआरसी तैयार किया गया है इसको हम नहीं मानते हैं। इसका मतलब यह है कि देश की जनता का टैक्स का पैसा 1600 करोड़ रुपया पानी में बर्बाद कर दिया गया। यह उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप याद कीजिए कि नोटबंदी के वक्त क्या हुआ था। अभी प्रधानमंत्री का रामलीला से भाषण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, देश में अभी हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। पहली बात तो ये मोदी जी, देश की जनता को समझाने से पहले आप जरा मोटा भाई अमित शाह से पूछ लीजिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं होगा। अब बताइए कि हम लोग किसकी बात माने? हम लोग प्रधानमंत्री की बात माने कि गृह मंत्री की बात माने? इसका हकीकत यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मोदी जी आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए, वैसे ही अमित शाह कहीं मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए। सरकार को यह कहना चाहिए कि एनआरसी का मामला आसाम का मामला है, पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं होगा, और जब पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं होगा तो सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम का कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि हम तो भारत के लोग हैं। भारत के लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे जब यह देश चलने वाला है तो जो कोई भी भारत का बाहर का है वो अगर भारत में आकर के भारत की नागरिकता मांगता है तो पहले भी भारत की सरकार लोगों को भारत की नागरिकता देता था, तो फिर ये नया कानून बनाने की क्या जरूरत है? नया कानून इसलिए बनाया गया है ताकि इस देश में हिंदू मुसलमान करके, इस देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे करके, लोगों को आपस में भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके, देश में हिंसा फैला करके ये देश की आम जनता का जो असल सवाल है उससे ध्यान गुमराह करना चाहते हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है, मेरी बात को मत मानिए, टीवी पे जो दिखाया जा रहा है आप उस पर भी भरोसा नहीं कीजिए, जो मैसेज चल रहा है आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तब पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है। व्हाट्सएप पे ये कहा जा रहा है कि अभी तो मुसलमानों को ठीक किए हैं, अगला बारी दलित का है। व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है कि ये लोग जो हैं वो सरकार के ऊपर बोझ हैं, इनसे जबरदस्ती काम लेना चाहिए, इनको बराबरी का और बराबर का हक देने का कोई जरूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप पे मैसेज चलता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इस देश के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो बेगूसराय के हो कि खगड़िया के हो, चाहे वो बिहार के हो या बंगाल के हो, गरीब लोग जो हैं इस देश के, उनको इस बात में फंसा दिया जाए, इस बात में उलझा दिया जाए कि वो अपनी नागरिकता साबित करें। नागरिकता साबित कैसे करेंगे? कागज के द्वारा। और गरीब लोगों की स्थिति क्या है? जिन जिन इलाकों में बाढ़ आती है बताइए, उन लोगों के पास कागज सुरक्षित रहेगा? जो लोग गरीब हैं, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, क्या उनके पास 30 साल 40 साल पुराना कागज होगा? और जब कागज नहीं होगा तो वो नागरिक भी नहीं रहेंगे, और जब वो नागरिक भी नहीं रहेंगे यहां से पूरा का पूरा साजिश शुरू होता है। जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो जो अभी भाषण में बोल रहे थे नेताजी कि 5 डिसमिल जमीन देने का वादा नीतीश सरकार ने किया है, वो 5 डिसमिल जमीन आप कैसे लेंगे? जो कहा मॉडरेट करते हुए स्पीकर ने कि हजारों बीघा जमीन पे कॉमरेडों के नेतृत्व में भूमिहीनों को जमीन दिया गया, उनको बसाया गया, तो वो जो उनको जमीन दी गई है, उनको जो बसाया गया है, उस जमीन पे उनका कब्जा रह पाएगा? जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो जमीन पे आपका कब्जा भी नहीं रहेगा, आपका अधिकार भी नहीं रहेगा। ये एक बड़ी साजिश है कि एक बार फिर से इस देश को जो 1947 में आजादी मिली थी,
इस देश के संविधान ने जो हम सबको बराबरी का अधिकार दिया था, उस बराबरी के अधिकार को हमसे वापस छीन लिया जाए। बराबरी का अधिकार हम कैसे देखते हैं? महिलाएं इधर बैठी हुई हैं, पुरुष इधर बैठे हुए हैं। बताइए, जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो पुरुष का वोट 2 और महिला का वोट 1 होता है कि दोनों का वोट 1 होता है? जो भूमिहीन है उसका वोट भी 1 होता है, और जो बड़का बिल्डिंग बनाया है उसका वोट भी 1 होता है। हिंदू का वोट भी 1 होता है, मुसलमान का वोट भी 1 होता है। आपको अपने ही देश में जो नागरिकता दी गई है, जो बराबरी का हक और अधिकार आपका संविधान ने आपको दिया है, उसको छीनने की तैयारी की जा रही है। और ये बात मैं पूरे दावे के साथ पेश कर रहा हूं, अगर सरकार के पास कोई सफाई है तो सरकार सफाई दे और सरकार कहे कि हम देश की संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है तो देश का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समानता, न्याय और बराबरी की बात करता है। यह समानता, न्याय और बराबरी के ऊपर हमला किया गया है और आज किसी और के बारे में बताया जा रहा है कि अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इससे तो मुसलमान को परेशान होने की जरूरत है। आज किसी और का अधिकार छीना गया है, कल को इस देश के वो तमाम लोग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, एक एक करके उनके अधिकारों को छीना जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कि सरकार की नीति और नियत से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस देश के जो गरीब लोग हैं उनके जान माल का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है उनके जान माल का। आप देखिए कि सरकारी संस्थानों को किस तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये सरकारी स्कूल में हम लोग बैठे हुए हैं ना, कौन पढ़ने के लिए आता है इस स्कूल में? गांव का पैसा वाला का लोग आता है इस स्कूल में पढ़ने के लिए कि गांव का गरीब का बच्चा आता है यहां खिचड़ी खाने के लिए? पहले स्कूल में जब ऑफिसर आते थे तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते थे कि कितना विद्यार्थी आया है। आजकल ऑफिसर स्कूल में आकर के अटेंडेंस रजिस्टर नहीं चेक करते हैं, स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं कि कितना चावल है, कितना दाल है, कितना कमीशन लिया जा सकता है। देखिए